हेलो एवरीबॉडी, आई एम संजय रजोरा एंड आई नो अ फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो मैं उन्हें शुरू में यूज़ कर दूंगा. आई वेंट टू MIT फॉर माई हायर एजुकेशन एंड आई एक्चुअली हैड अ ब्लॉन्ड गर्लफ्रेंड हु वॉज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉयर इन न्यूयॉर्क. और ये सब झूठ है, मुझे इतनी अंग्रेजी आती है. आप लोग हॉरर फिल्म तो देखते होंगे, देखते हैं या नहीं देखते? न्यूज़ चैनल तो देखते हो? अब तो हिंदुस्तान में तो खैर हॉरर चारों तरफ ही हो रहा है, तो फिल्म तो कोई किसी ने एग्जॉर्सिस्ट देखी है? ईविल डेड देखी होगी, नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट. किसी ने बागबान देखी है? बागबान मेरी लाइफ की सबसे भयंकर हॉरर फिल्म है. मेरे जो माँ बाप हैं, अगर स्पॉटलाइट होती दिखाता है मेरा अंगूठा आज तक टूटा हुआ. हॉकी मारी थी मेरी माँ ने घुमा के, क्योंकि मैंने कहा था रोटी पे मक्खन और ज्यादा डाल दो. मेरे माँ बाप ने सारी जिंदगी कूटा है हमको. फर्स्ट आगे तो परसेंटेज कमाई है, मारो. परसेंटेज ज्यादा आगे, सेकंड आगे मारो. तो मेरे पिताजी ऐसे होते थे, सारे दिन ऑफिस में ताश खेलते थे. गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते, सारे दिन ताश खेलते थे. घर से 2 मिनट की दूरी पे मुंह पे ना माथे पे रुमाल बांध देते थे, सड़ा सा मुंह बना के घर में घुसते थे, जैसे पता नहीं कितना काम करके आ रहे हैं. और घर में डर लग जाता था, पिताजी आ गए. पूरी जिंदगी मारा, अब हम हो गए 40-41 साल के, अभी भी उनका मन चले तो अभी लगा दें. लेकिन जिस दिन बागबान आ रही होती है घर पे, मम्मी डैडी दोनों ऐसे बैठ जाते हैं. हालांकि मैं तो उनके साथ नहीं रहता, लेकिन पुराने तजुर्बे जाते नहीं है दिमाग से. पलंग पे दोनों ऐसे बैठ जाते हैं, पिताजी बोलते हैं, मैडम सही दिखाया औलाद यही करती है. मैं उनको बोलता हूँ, तुमने देखा है तुमने क्या किया है? मेरा इतना मन करता है कि मैं बागबान रिटर्न बनाऊँ. जब ये अपने बच्चियों को मार देते हैं कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, तब इनको बागबान याद नहीं आती है, तब इनको ये नहीं पता कि क्या करना है. कितने सारे लड़के हैं या लड़कियां हैं मैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं मान रहे. क्यों? नहीं नहीं यार, हमारी कम्युनिटी में होने चाहिए. हमने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया, इतना इन्वेस्ट किया तुम्हारे पे, इतनी एजुकेशन पे, अब तुम अपनी मर्जी से शादी करोगे? क्या लॉजिक है भाई, तुमने पढ़ाया था तभी तो अपनी मर्जी चला रहा है वो. या तो उसको गाँव में बिठा के रखते हैं, कोई बच्चा या म्यूचुअल फंड है कि बाद में जाके मैच्योर होगा. एक और हिंदुस्तान में बड़ा ही शानदार तबका है जिसको कॉरपोरेट इंडिया कहते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलता है, जिसमें ज़्यादातर IIT और IIM के लोग भरे हुए हैं. इनके अगर आप ऑफिस के अंदर का माहौल देखो, आई एम श्योर बहुत सारे लोग कॉरपोरेट में यहाँ पे काम करते होंगे. ट्रेनिंग्स होती हैं, बड़ी महंगी महंगी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें एक ट्रेनिंग होती है डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग देते हैं. तो चंपू बैठे हुए 15-20, ट्रेनर आया है सूट पर, हरे रंग का सफारी सूट पहन के. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सो टेल मी वन थिंग, हु विल टेल मी व्हाट इज द डिसीजन? कोई ढक्कन हाथ उठा देता. या सर, व्हेन यू हैव टू मेक अ चॉइस एंड व्हेन वी हैव टू डिसाइड, देन वी हैव टू टेक अ डिसीजन. या यू आर वेरी क्लोज, दैट्स राइट. But okay, we'll forget about the decision. What is a decision? You know, how many types of decisions are there? तो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं. यार तो बड़ा tough question है. ठीक है तो okay, I'll explain it to you. So there is a good decision, and there is a bad decision, and sometimes there is no decision. Having no decision is also a decision. Copy पे note कर रहे थे. Good decision, bad decision. No decision. और जो इनके एक HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जिसमें वो लड़कियां बैठी होती हैं जो शादी का इंतजार कर रही होती हैं. फिर ये इनका होता है कि वो फ्राइडे को हम फन एट वर्क करेंगे. अब फन एट वर्क में क्या करते हैं HR डिपार्टमेंट की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, मेरे ऑफिस में बनाए हुए थे फन कमांडोज, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे और फन के तरीके निकालते थे. तो लिखा भी इस बार इस फ्राइडे को रंगोली कंपटीशन करेंगे. पूरा का पूरा ऑफिस अपने अपने क्यूबिकल के सामने अपनी रंगोली बना रहा है. एक चंपक होता है जिसकी ये ड्यूटी होती है, बाकी सबके देख के किसकी हमसे बेटर है. वो बताता है यार वो गोल्डमैन सैक्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, उनकी ना हमसे बेटर रंगोली चल रही है, क्या उसमें ये है? तो फिर वहां पे चेंज हो रहा होता है. अजीब अजीब किस्म के इनके कॉन्सेप्ट हैं. और एक कॉन्सेप्ट है, ऑन साइड जाते हैं. जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको पता होगा कि ऑन साइड जाते तो उनको बड़ी तमन्ना होती है, लड़कों को खासतौर पे, क्योंकि हमारी लड़कियों को तो कोई तमन्ना होती नहीं है. खासतौर पे कॉर्पोरेट लड़कियों को कोई तमन्ना नहीं होती है.
मैंने ये देखा है कॉर्पोरेट में जो लड़कियां होती हैं उनमें मतलब चार पांच लड़कियों का ग्रुप होता है और वो सारे साथ ही हैंगआउट करते हैं। उनकी टिपिकली एज होती है 26-27 साल की, तो उनको टेंशन हो रही होती है शादी क्यों नहीं हो रही है और उनका स्कैनर हमेशा चलता रहता है किस लड़के का पैकेज ठीक है इससे प्यार कर लेते हैं और फिर बताएंगे लव मैरिज कर रहे हैं। वो स्कैनर चलता रहता है उनका। और इस बीच दौरान क्या होता है कि उनमें से किसी एक लड़की की बाई चांस शादी हो जाती है तो एक वो पागल हो जाती है। वो हर दिन का अपडेट डालती है, वन डे कंप्लीटेड विद माई जानू, नेक्स्ट डे 2 days कंप्लीटेड विद दिस लवली पर्सन, आई एम सो लकी, समवन समवेयर वाज मेड फॉर मी एंड आई फाइंड यू। उनके दोस्त भी लिखते हैं गॉड यू टू आर मेड फॉर ईच अदर यार। अब उस लड़की की जैसी शादी हो जाती है ना उसका जो स्टेटस होता है ना वो एलिवेट हो जाता है बाकी की 4-5 लड़कियों में जो उसके साथ घूम रही होती हैं। पहले तो ये साथ घूमती थी, अब ये लड़की आगे चलती है और इनको डायरेक्ट करती है आओ पीछे। वो कहती कॉफ़ी पीते, नहीं आज चाय पीते हैं चलो। वो पीछे पीछे पूंछ की तरह चलती रहती हैं क्योंकि उसका स्टेटस एलिवेट हो गया ना। उस लड़की को भी लगता है मैंने वो अचीव कर लिया जिसके लिए मैं पैदा हुई थी। अब तुम लोग हो कौन? जब तक तुम वो अचीव नहीं कर लोगे जो मैंने अचीव कर लिया है तब तक तुम्हारी जिंदगी नरक है। तो वो लड़कियाँ टिप्स लेती हैं उससे, वो टिप्स भी देती है, तूने एक काम कर जिम ज्वाइन कर ले यार, थोड़ा वेट लूज कर। वो बेचारी जाके एरोबिक्स भी कर रही है, योगा भी कर रही है, बीच में कोलैप्स कर गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अस्पताल। लेकिन शादी होनी ही चाहिए, शादी बहुत जरूरी है। फिर शादी हो गई, शादी के बाद जिम जाना बंद, 3 महीने में ढोल। फिर उससे कोई पूछे कि भाई तू अब क्या हो गया तेरे को, यार अब शादी हो गई अब क्या करना है। शादी का बड़ा मसला है हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में अगर आपने शादी नहीं करी है ना तो मतलब आपकी कुत्ते वाली औकात है। कोई भी अरे गरा नथु गरा पूछ लेता है यार आप सेटल क्यों नहीं हुए हो, तेरे बाप का क्या जा रहा है बे, नहीं हो रहा मैं सेटल यार, अब तो पैकेज भी इतना अच्छा है, अब तो तुम्हारी उम्र भी इतनी होगी यार, सेटल हो जाओ यार। मतलब इनकी रोटी हजम नहीं होती है कि अगर कोई पड़ोसी का लड़का सेटल नहीं हो रहा है यार। सबको सेटलमेंट की बीमारी, हमें सेटलमेंट का इतना इशू है कि आखिरकार मोदी को भी बोलना पड़ेगा मेरी शादी हो रखी भाई माफ कर दो। और हर कोई चंपक सेटल भी हो जाता है, दुनिया के सबसे गधा आदमी अगर हिंदुस्तान में पैदा हो उसकी भी शादी हो जाएगी। एकदम नालायक निकम्मा कुछ नहीं करता है जो, वो शादी कर लेता है। किस वजह से पता है? माँ बाप का बहुत प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर उस पर पढ़ाई के लिए होता है, पढ़ाई नहीं करता है। माँ बाप का प्रेशर उसको होता है शराब मत पी, वो शराब नहीं छोड़ता है, लेकिन माँ बाप के प्रेशर में आके शादी जरूर कर लेता है। और दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में हर घर में एक दादी होती है जो पोते के मुंह देखे बिना मरती नहीं है, बच्चा भी पैदा कर लिया भाई साले करता कुछ नहीं यार, दादी ने बड़ा प्रेशर डाल रखा था, बोला ऊपर से आके धक्के दे रही थी तेरे को दादी के कर। कॉर्बेट एक जंगल है यार, और वहां पे शेर भी, आप तमीज से देखोगे तो आपको शेर भी दिखेगा। ये थोड़ी हम मंडे की छुट्टी होती है तो हम आ गए यहाँ पे, अब शेर क्यों नहीं आ रहा, तो बता दे तो पहले शेर को भी हमारे मंडे को, हमारी साड़ी की दुकान बंद रहती है। हम गए तो कॉर्बेट में, मैं जीप में जा रहा हूँ, सामने से एक लड़का आ रहा है, शेर कहाँ है, शेर नहीं दिख रहा, मैं सामने सारा, मेरे को लंबा तिलक लगा रखा था, मेरे को कहता भाई साहब दर्शन हुए क्या।